सो गाइज, माय नेम इज आशीष एंड यू आर वाचिंग द रेसलस्ट्रोक सर्वाइवर सीरीज के बाद वाले मंडे नाइट रॉ के किक ऑफ में रिया रिपी एंड रैंडी ऑर्टन का काफी अच्छा हमें सेगमेंट देखने को मिलता है, जिसमें रैंडी ऑर्टन रिया रिपी को बोलते हैं कि डैडी इज बैक। तो आने वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में इन दोनों सुपरस्टार का क्या सेगमेंट होने वाला है, तो इसी चीज पर डिस्कस करेंगे। सारी चीजें डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जाओ जाके सब्सक्राइब कर लो, और चलिए सारी वीडियो को शुरू करते हैं। वाइपर रैंडी ऑर्टन का हमें मेंस के वार गेम्स में पूरे 1.5 साल के बाद WWE के टेलीविजन पे रिटर्न देखने को मिलता है, यानी कि लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन का सर्वाइवर सीरीज के वार गेम्स में रिटर्न होता है। ना ही वो रिटर्न करते हैं, बल्कि वो रिटर्न मैच में ही अपने मैच को नाम करते हैं, यानी कि मेंस वार गेम्स को वो जीतते हैं और वो रिटर्न मैच में ही अपने नाम को विक्ट्री अर्न करते हैं। उसके बाद वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की शुरुआत और कहीं बल्कि रैंडी ऑर्टन करते हैं। रैंडी ऑर्टन का थीम सॉन्ग बजता है, रैंडी ऑर्टन आते हैं और वो कुछ प्रोमो कट करते हैं, तो फिर रिया रिपली आती हैं, रिया रिपली उनको कन्फ्रंट करती हैं, और कुछ इस प्रकार से हमें रैंडी ऑर्टन एंड रिया रिपली का कन्फ्रंटेशन देखने को मिलता है। रैंडी ऑर्टन रिया रिपली को बोलते हैं कि डैडी इज बैक, जब मैं मंडे नाइट रॉ में नहीं था, मैं जब WWE में प्रेजेंट नहीं था, तो सभी लोग बोल रहे थे कि मामी ये है, मामी वो है, फलाना ढिंकाना, सभी लोग मामी के बारे में ही बात कर रहे थे, कि एक तरीका से मामी रिया रिपली को कहा जाता है। तो रैंडी ऑर्टन बोल रहे थे कि सभी लोग रिया रिपली के ही बारे में बात कर रहे थे कि मामी ये है, वो है, फलाना है, ढिंकाना है, लेकिन गेस रियल डैडी इज बैक, यानी कि डैडी जो है वो दोबारा वापस आ चुका है। और कुछ इस प्रकार से काफ़ी बेहतरीन तरीका से रैंडी ऑर्टन प्रोमो में ही रोस्ट कर देते हैं रिया रिपली को। और गाइस, इन दोनों सुपरस्टार का काफ़ी अच्छा हमें सेगमेंट देखने को मिलता है। वो सेगमेंट को मैं भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया था, इनफैक्ट जो भी मंडे नाइट रॉ की शुरुआत को देखे होंगे उनको भी काफ़ी मज़ा आया होगा। और ये वाला चीज़ जब लाइव चलते रहता है तो और भी मज़ा आता है, तो कुछ ये देखने को मिला था। और स्मैकडाउन के लिए ऑफिशियली वो साइन हो चुके हैं लास्ट वीक के स्मैकडाउन में, यानी कि स्मैकडाउन के सुपरस्टार रैंडी ऑर्टन बन चुके हैं। तो आने वाले रॉ के एपिसोड में WWE में भी इन दोनों सुपरस्टार को कोई सेगमेंट बुक कर दे।